सरकार के खिलाफ इस तरह सीधा लिखने में डर नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि यदि कवि या लेखक डर जाएगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा, है ना। मुझे लगता है कि शायद आप वो मेरे घर छापा पड़ा कविता के बाबत बात कर रहे हैं, उसके बाबत। तो ठीक है भाई, सत्ताएं अपना अपना काम करती हैं, और मुझे लगता है कि पत्रकार को, कवियों को, लेखकों को, उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो जिसके जिसके लिए वो ये कहते हैं कि हम आम आदमी के लिए हैं। या साहित्य तो को वैसे भी कहा गया, प्रेमचंद हमें क्यों याद आते हैं, है ना, या बाबा नागार्जुन क्यों याद आते हैं, या दुष्यंत क्यों हमको याद आते हैं, या राजीव जोशी क्यों हमको याद आते हैं। इसीलिए आते हैं कि हम लोगों ने आम आदमी की पीड़ा में, या उसके जो जो कतार का आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। कविता का शीर्षक है मेरे घर छापा पड़ा। सुबह सुबह मेरे घर छापा पड़ा, पेंशन के कागजात और गाढ़े वक्त के लिए जमा, बच्चों के भविष्य के लिए सावधि जमा के अलावा क्या था मेरे पास, फिर भी कार्यवाही चली पूरा दिन सारी रात। बकायदा एक चार्जशीट तैयार की गई मेरे खिलाफ, निम्न बिंदु बार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।